गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, वेरी वेरी गुड इवनिंग, क्योंकि इस समय बज रहे हैं शाम के 7 और आज है 6 मई। तो गाइज, आपको मेरे लोग को बहुत अच्छा लगा मेरे एनिवर्सरी ब्लॉग, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू, क्योंकि आपने मुझे कमेंट में भी मुझे विश किया है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अपने केक की रेसिपी अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, तो आज मैं अपने केक की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और आप देखिएगा कि कैसे केक को हम लोगों ने बनाया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सरल तरीके से बनाया है, क्योंकि घर में सभी चीज़ें हैं जिसे हम केक को रेडी कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और नीचे दी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप देख पाओ। बताइए, देखिए मेरे केक की रेसिपी और इन्जॉय करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा बना है। तो गाइस, केक के लिए हमने कुछ सामान लिया था, तो उसमें सबसे पहले हमने कम से कम 6-7 पैकेट हमने गुड्डे बिस्किट लिया था और दो ओरियो बिस्किट लिया था। तो दीदी ने इसे फूड प्रोसेसर में ही पीस के रख लिया है और ये देखिए सारे बिस्किट उन्होंने पीस लिया है अच्छे से। में दीदी ने 1 कप दूध उसमें ऐड किया है और उसको अच्छे से फेंट लिया है और इसको मिक्सी में ही फेंटना है, क्योंकि या तो ये मशीन से फेंटा जाता है या तो मिक्सर से ही फेंटा जाता है। तो मशीन तो है नहीं हमारे पास, तो इसलिए हम लोगों ने मिक्सर में इसको फेंट लिया है और इधर हम लोग चीनी को पीस रहे हैं। तो ये जो पिसी हुई चीनी है वो हम बिस्किट वाले पेस्ट में इसको ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इधर हम लोग छोटा सा भगोना लिए हैं जिसमें हम लोग केक को बेक करेंगे। तो केक को बेक करने से पहले हम इसमें हल्का सा भगोने में हमने घी ऐड किया था, अच्छे से लगा लिया था चारों ओर और फिर उसके बाद मैदा को उसमें अच्छे से मिला रहे हैं, क्योंकि इसको मिलाने से जो हमारा केक है वो अच्छे से बाहर निकल आएगा। तो गाइस, ये जो बैटर हमने रेडी किया है इसमें हम इनो ऐड कर देंगे। इनो ऐड करने से ये होता है कि जो हमारा केक है अच्छे से फूल के आता है और इसको हम अच्छे से इसको मिलाएंगे और काफ़ी देर तक इसको फेंटेंगे और इसको फेंटने से केक हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फूल के आता है। और ये सारे पेस्ट को उसी भगोने में ऐड करना है जिसमें हम लोगों को इस केक को बेक करना है। तो ये देखिए सारा जो पेस्ट है हम लोगों ने उसी भगोने में निकाल के अच्छे से रख लिया है। तो गाइस, अगर केक पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गाइस, ये देखिए पहले हम लोगों ने कुकर को गैस पे रख दिया था गर्म होने के लिए और इसमें एक बात और है, जब आप कुकर को गर्म करने के लिए रखें तो इसकी सीटी और रबड़ को निकाल लें, क्योंकि जब उसकी सीटी और रबड़ आप निकालेंगे तो उसमें एयर निकलती रहेगी जिससे आपका केक बेक हो जाएगा। दोस्तों, केक बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में दीदी ने एक प्लेट रखा हुआ है अंदर, उसके ऊपर केक को बेक होने के लिए ये भगोने को रखा हुआ है और उसको अच्छे से बराबर कर रही हैं। उसके बाद ये देखिए उन्होंने गैस पे चढ़ा दिया है और इसको आप कम से कम 30 मिनट के लिए इसको ऐसे धीमी आंच पे छोड़ दीजिए। और इसमें आप देखिए सीटी और रबड़ नहीं है, क्योंकि ये देखिए गाइस, जब हम लोग क्रीम तैयार करेंगे केक में लगाने के लिए तो इसमें जो आप घर की मलाई होता है उसको आप रखते हो फ्रिज में, उसको ले लो। तो इसमें मैंने उनको मलाई दिया हुआ है और एक छोटी सी जो घी अगर आप रखे हो देसी घी तो वो भी आप ले सकते हो। तो देसी घी और मलाई और इसमें जो चीनी हम लोगों ने पीसा हुआ था उसमें ऐड कर रहे हैं। गाइज़, थोड़ा सा वीडियो बनाते वक्त मोबाइल मेरा घूम गया था इसलिए इस तरह से वीडियो आ रही है, तो इसको आप प्लीज़ माइंड मत लीजिएगा। इस केक में फ्लेवर लाने के लिए इसमें दीदी ने मैंगो क्रश डाला हुआ है, ये है जूस है जो हम लोग घर में बनाते हैं मैंगो। तो ये देखिए इसमें कलर बहुत ही अच्छा आया है और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आया है। इन सब को मिला के उन्होंने इसको पीस दिया है, मिक्स कर दिया है और ये देखिए कितना अच्छा क्रीम बनके तैयार हुआ है।
और सीरियसली गाइस बहुत ही टेस्टी था, और हमारा केक भी बन के तैयार हो गया है। और अब इसमें वो लगाएंगी क्रीम को। तो गाइस देखिए हमारा केक कितना फूल के तैयार हुआ है और कितना अच्छा तैयार हुआ है, ये देखिए। गाइस हम केक को अब आधा करेंगे, तो ये समझ भी नहीं आ रहा था, तो फिर धागे से दीदी ने उसको कट किया और बहुत सॉफ्टली कट गया, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट केक बना हुआ है, ये देखिए। और ये केक के अंदर वो क्रीम को अच्छे से डेकोरेट करेंगी, तो ये देखिए। तो गाइज़ अब सारे क्रीम को वो पूरे केक में वो डेकोरेट कर रही हैं, अच्छे से उसमें मिक्स कर रही हैं, और ये देखिए सारे केक में वो इसमें लगा दे रही हैं, अच्छे से डेकोरेट कर रही हैं। और इसको हम लोग रख देंगे फ्रीज़र में उसके बाद। तो गाइस केक को थोड़ा सा और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए दीदी डेरी मिल्क चॉकलेट को मेल्ट कर रही हैं, तो उसमें उन्होंने डेरी मिल्क चॉकलेट ऐड किया हुआ है, उसके बाद आधी ग्लास उन्होंने दूध को ऐड किया हुआ है, मिल्क यानी, और उसको अच्छे से मेल्ट कर रही हैं, ये देखिए। और उसके बाद ये केक को डेकोरेट करेंगी। तो गाइस ये देखिए हमारा केक जो है वो रेडी हो चुका है, और ये कितने अच्छे से डेकोरेट हुआ है चॉकलेट से, डेरी मिल्क से, जो उन्होंने मेल्ट किया था। उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि श्री रोने लगी थी, तो मैं उसको पकड़ने चली गई। और इधर दीदी ने ये देखिए कितना अच्छा डेकोरेट किया है केक। तो अगर आपको पसंद आए तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, और ये केक कैसा बना है आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी केक था। हम लोग क्या, तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कैसे केक को तैयार किया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा केक, और बहुत ही सरल तरीके से तैयार किया हुआ है। बस कुछ ही सामान है जो हम लोग को बाहर से लानी है, और आजकल तो सभी अपने घरों में केक बना रहे हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू फ्रेंड्स।